हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आरसीआई एजु हब ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 12 एग्रीकल्चर सब्जेक्ट बायोलॉजी, टॉपिक खपरा भ्रम जो है उसका प्रबंधन, किस प्रकार से खपरा भ्रम जो होता है उससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले सस्य प्रबंधन, सस्य प्रबंधन, इसमें खपरा भ्रम जो होता है वो गोदामों में लगता है, गोदामों में भरे अनाज। तो सबसे पहले गोदाम के ऊपर कुछ कार्य करते हैं जिससे कि गोदामों में खपरा भ्रम जो है वो प्रवेश ना करे या वहां पर ये अपने संख्या में वृद्धि नहीं करे। इसके लिए सबसे पहले गोदाम जो होते हैं इनकी अच्छी सफाई करें, स्वच्छ रहने चाहिए। इसके अलावा इसमें वायु जो है वायु का आवागमन होना चाहिए, यानी कि शुद्ध जो वायु होती है बाहर, यानी कि ये गोदाम हवादार होने चाहिए जिसमें से वायु आसानी से इसमें से आ जा सके। इसके अलावा गोदाम जो होते हैं इनकी दीवारों में, दीवार या फिर फर्श जो होती है उसमें दरारें पाई जाती है, इसलिए खपरा भ्रम जो है इसको छुपने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है दरारों की उपस्थिति के कारण। तो दरारें जो होती हैं उनको भर देना चाहिए, दरारें जो है इनको सीमेंट से भरना चाहिए जिससे कि जो खपरा भ्रम है वो इनमें जाकर छिप नहीं सके। इसके अलावा गोदामों के अंदर अनाज भरने से पूर्व, अनाज भरते हैं भरने से पूर्व अनाज को धूप में सुखाना चाहिए और इसमें जो नमी की जो मात्रा है वो 8 से 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमी जब 10 से ज्यादा होती है तो उस अनाज के ऊपर खपरा भ्रम लगने की जो संभावना है वो सर्वाधिक रहती है। वैसे तो जब नमी जो होती है वो 2 से 3% तक भी अगर होती है तो उसके ऊपर भी कई बार खपरा भ्रम जो है वो उसका प्रकोप देखा गया है, लेकिन सामान्य रूप से ज्यादा 8 से 10% से जो नमी होती है वो इसमें कम होनी चाहिए। इसके बाद अनाज से भरे जो बोरे होते हैं, बोरियां जो पाई जाती हैं, उन बोरियों को लकड़ी के बने पट्टे उनके ऊपर रखना चाहिए, यानी कि बोरियों को डायरेक्ट फर्श के ऊपर नहीं रखें और दीवार से लगभग 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। मतलब जो अनाज से भरी बोरियां होती है उनको फर्श के ऊपर भी नहीं रखें और दीवार से सटाकर भी नहीं रखें, दोनों से दूर हुए रहनी चाहिए। और अनाज के बीच में नीम की जो निमोलियां होती है, नीम की निमोलियां, इनको भी डालना चाहिए। इनका जो अनुपात होता है वो 100:1, इस अनुपात में अनाज और ये यहां से नीम की निमोलिया, इनका ये अनुपात होना चाहिए। इस प्रकार से सस्य प्रबंधन जो है वो इसका कंप्लीट होता है। इसके बाद में रासायनिक प्रबंधन, कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके भी खपरा भ्रम जो होता है इसका प्रबंधन किया जा सकता है। वो देखें किस प्रकार से रासायनिक प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन में ईडीसीटी इसका उपयोग किया जाता है। और ईडीसीटी जो होता है इसका उपयोग भी सर्वाधिक मात्रा में जो होता है वो 30 से 40 केजी 30 से
40 केजी। मात्रा जो होती है इसकी वो 30 से 40 केजी होती है प्रति 100 घन मीटर। 100 घन मीटर का जो एरिया पाया जाता है उस एरिया में इसकी 30 से 40 किलोग्राम की मात्रा का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ से EDCT जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इथिलीन डाई ब्रोमाइड, इथिलीन डाई ब्रोमाइड, इथिलीन डाई ब्रोमाइड। और इसके अलावा CT जो पाया जाता है उसका C से कार्बन, कार्बन से टेट्रा क्लोराइड। यहां से इसकी फुल फॉर्म जो होगी वो इथिलीन डाइब्रोमाइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका उपयोग 100 घन मीटर एरिया जो पाया जाता है उसमें 30 से 40 केजी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड का उपयोग कर सकते हैं या फिर इथिलीन डाइब्रोमाइड, इथिलीन, इथिलीन डाई ब्रोमाइड का उपयोग करके भी रासायनिक प्रबंधन के माध्यम से खपरा जो रंग है उसका प्रबंधन किया जा सकता है। इसके अलावा जो रसायन पदार्थों का जो उपयोग हम करते हैं, रसायनों का जो उपयोग करते हैं वो दानों वाली जो फसल होती है उनके ऊपर ही किया जाता है। कभी भी किसे हुए पिसे हुए जो अनाज होता है उस पिसे हुए अनाज के ऊपर इन रसायनों का उपयोग नहीं करते, क्योंकि पिसे हुए अनाज से इन रासायनिक पदार्थों को अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। खपरा भरण के अलावा विभिन्न ऐसे कीट हैं जो कि फसलों का जो भंडारण किया जाता है उसमें ये नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें दाग भरण, लाल सुरसाली आदि। खबरा उनके अलावा ऐसे कीट हैं जो कि विभिन्न भंडारित जो फसल होती है उनको ये नुकसान पहुंचाती है। तो इस प्रकार से खपरा भरण का जो प्रबंधन है इसमें सस्य प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन दोनों वो कंप्लीट यहाँ पर होते हैं। धन्यवाद।